दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। अपने जो मोबाइल आप देख रहे हैं ये माइक्रोमैक्स का मोबाइल है, Q413 मॉडल नंबर है इसका। इस मोबाइल के अंदर में प्रॉब्लम क्या, चलिए मैं आपको ऑन करके दिखाते हैं मोबाइल को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मोबाइल को हम यहाँ पे ऑन कर रहे हैं और इस मोबाइल के अंदर में जो है गूगल लॉक लगा हुआ है, यानी कि FRP लॉक लगा हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मोबाइल में यहाँ पे FRP लॉक है और इसमें यहाँ पे स्किप करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं है। चलिए इस मोबाइल को हम मेडिकल बॉक्स से अनलॉक करेंगे। तो मेडिकल टूल मैंने ओपन कर लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे सीधा सीधी जो है आपको यहाँ पे बूट नंबर 8 सेलेक्ट कर लेना है। बूट नंबर 8 सेलेक्ट करने के बाद तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे FRP रीसेट का ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इस मेथड से आपको FRP अनलॉक करना है। इस पे चेक लगाने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल को बूट करना है, जिस तरह से आप MediaTek मोबाइल को बूट कराते हैं, यानी मोबाइल को ऑफ करके आपको जो है डायरेक्टली डाटा केबल लगाना है अपने कंप्यूटर में। आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली बूट करेगा और जब आपका मोबाइल बूट करेगा तो आपका जो यहाँ पे जो मोबाइल ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे प्रोसेस चलेगा FRP रीसेट का। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे हमने मोबाइल बूट करा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल हमारा बूट कर चुका है। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको कि इस मेथड से जो है FRP अनलॉक होता है कि नहीं माइक्रोमैक्स Q413 मॉडल का। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोबाइल जो है अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि इस मोबाइल का जो कंप्लीट FRP रीसेट होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्लीट FRP रीसेट हो चुका है। तो दोस्तों चलिए इस मोबाइल को हम ऑन करके आपको दिखाते हैं कि इसका FRP रीसेट हुआ कि नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्किप का ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, यहाँ पे वाईफाई की जगह पे आप यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि हमारा FRP रीसेट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप किसी काम है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।